प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गब्बर कहा था, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता ने उन पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया मुख्यमंत्री चौहान गब्बर नहीं बब्बर शेर हैं, और वो ऐसे बब्बर शेर हैं जिन्होंने प्रदेश से सांबा और कालिया को समाप्त कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, आपकी बातों से मुझे शोले फिल्म से मौसी और जैस का संवाद याद आता है। आपकी नजरों में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बहुत अच्छे हैं, भले ही उन्होंने प्रदेश को लूट खाया हो। दिग्विजय सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल और कमलनाथ ने 15 महीने के कार्यकाल में प्रदेश का बंटाधार कर दिया है, फिर भी वो अच्छे हैं। उन्होंने अपने वचन पत्र के माध्यम से जनता को ठगा, फिर भी आप उनको अच्छा मानते हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि भले ही नाथ ने बेटियों के विवाह का पैसा नहीं दिया और बेरोजगारी भत्ता देने की बात कहकर मुकर गए, फिर भी वो आपकी नजरों में अच्छे हैं। सच में मौसी और जय का संवाद आप पर सही बैठता है। विक्रांत भूरिया जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी गब्बर नहीं बल्कि बब्बर हैं, और ऐसे बब्बर शेर हैं जिन्होंने सांबा और कालिया को निपटाने का काम मध्य प्रदेश से किया है, जिनको ठिकाने लगाने का काम किया है, और मुझे तो आपकी बातों से वो संवाद मौसी और जय का याद आ रहा है कि आपकी नज़रों में भी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह उसी प्रकार हैं कि भ्रष्टाचारी हैं पर बहुत अच्छे हैं, हमारे संगठन पर ध्यान नहीं देते पर बहुत अच्छे हैं, जिस तरीके से लूट खसूट मचाई, माफियाओं को जिंदा रखा मध्य प्रदेश की 15 महीने की सरकार में और दिग्विजय सिंह की 10 साल की सरकार में, पर बहुत अच्छे हैं, जनता के लिए कोई कार्य नहीं किए, वचन पत्र अपने ठग पत्र के माध्यम से उनको लूटने का काम किया, उन्हें गुमराह करने का काम किया, पर बहुत अच्छे हैं। बेटियों के विवाह निकाह की बात करी और एक रुपया उन तक नहीं पहुँचाया, उनके बच्चे हो गए, पर बहुत अच्छे हैं। बेरोजगारी भत्ता देने की बात करी और एक भी युवक युवती को 4,000 रुपये नहीं दिए, पर बहुत अच्छे हैं। तो ये जो संवाद था मौसी का और जय का, वो बिल्कुल आप पर सटीक बैठता है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।